तो अभी मौसम देखने की तरह बन गया है, बारिश से शुरू हो गई है। तो फिर हम बारिश देखने के लिए आए थे। हाँ जी, तो ये देखें कितनी मज़े की कढ़ी और पकौड़े तैयार हो चुके हैं। तो रोटी अभी पक चुकी हैं, अब ना खाने के लिए भूख बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे अल्लाह ताला के करम से। मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपका घर में से रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल दादा फैमिली ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो आज की वीडियो है मेरी आज शाम की रूटीन के बारे में, कि शाम की रूटीन अभी शुरू करने वाली थी, सोच रही थी कि काम शुरू करूँ, तो बादल कितने ज़्यादा आए, तो माशाल्लाह से हवा भी ठंडी शुरू हो गई। तो दो तीन दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी थी या तबीयत भी ख़राब हो रही थी इतनी गर्मी से हबस से, तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी ना ये हवा भी चली है और बादल इतने ज़्यादा आए, बारिश शुरू हो गई है, तो मज़े का मौसम हो गया है। तो अभी ना करेंगे, अभी शुरू सोचेंगे कि क्या बनाएं प्यारे मौसम में। तो बच्चों ने फरमाइश कर दी है कि आज कड़ी पकौड़े बनाएं, तो मौसम प्यारा हो गया है, वरना तो बैठा भी जा रहा था किले के पास गर्मी से। तो अब मौसम हो गया है प्यारा, तो मैं ना वो कड़ी पकौड़ों की तैयारी करूँगी, तो साथ रहिएगा। तो अभी मौसम देखने की तरह प्यारा बन गया है, बारिश से शुरू हो गई है। तो फिर हम बारिश देखने के लिए आए थे, और साथ ये चारपाइयाँ वगैरह भी अंदर करनी थी, गीली हो रही थी, वो भी अंदर रखी हैं, उनको सारी भीग जानी थी इधर। तो उधर बारिश आ रही है, मैं इस साइड पे आ गई हूँ, और वो दिखाओ सारी बारिश का मुझे बादल। हाँ जी, तो अभी ना मैंने बैठ के लहसुन प्याज वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो बनाई हैं। तो इधर बर्तन धोए जा रहे हैं, ये इसने बर्तन धो लिए हैं और ये रह गए हैं। बर्तन धोने के बाद फिर मैंने कढ़ी वाला सामान जो तैयार करके रखा है, तो कढ़ी बनानी शुरू करनी है। तो अभी ये बर्तन धो के उधर रखूँगी, और सारी में है चीज़ ले के अपने खाने के लिए। सारी क्या खा रहा है? नींबू और पापड़। नींबू और पापड़, इसके बगैर गुजारा नहीं होता है ना। और हाँ जी, बहुत ही ज्यादा मजेदार है, बहुत ही मजेदार है। और ये पाँव क्यों हिला रहे हो? और इधर मैंने ये देख लें प्याज आलू भरी काट के रख लिए हैं पकौड़े बनाने के लिए। सब्ज मिर्चे हैं इधर, लहसुन अदरक सब्ज मिर्चों का पेस्ट, धनिया, और ये नमक मिर्च मसाले और प्याज, और ये है पकौड़ों के लिए बेसन, और इधर है देसी में लस्सी, और इसमें मैंने डाल लिया है बेसन, मिक्स कर लिया है। तो अभी मैंने कढ़ी बनानी शुरू करनी है। तो मौसम जो है वो प्यारा हुआ है, तो इसीलिए ना बच्चों ने फरमाइश किया कि आज हमने कढ़ी पकौड़े खाने हैं। तो अभी शुरू करती हूँ बनाने, और बादल भी काफ़ी आए हुए हैं। तो इधर ये देखें पानी वगैरह भी बारिश का है, इधर उधर भी है, तो काम कर लेंगे। फिर इधर ये जगह भी खुश करनी है, क्योंकि ऊपर से ये जंगला जो है ना वहाँ से नीचे आ जाता है पानी, तो फिर गीला हो जाता है। तो अभी मैं इधर देसी में प्याज वगैरह डाल के पकाना शुरू करूँगी, तो साथ साथ ही खाऊँगी। हाँ जी, तो ये मैंने देसी रखी थी चूल्हे पे, और इसमें डाला ऑयल और साथ प्याज, तो प्याज जो है ना वो हल्का ब्राउन हो गया है। तो अब इसमें मैंने डालना है लहसुन अदरक और सब्ज मिर्चों का पेस्ट, तो वो भी साथ ही हो जाएगा ब्राउन। इसे भी तीन चार मिनट तक मैं पकाऊंगी, ताकि इसकी जो स्मेल है ना लहसुन की वो ख़त्म हो जाए। तो फिर इसमें मिर्च मसाले डालूंगी,
हाँ जी, तो प्याज लहसुन जो है ना वो हल्का ब्राउन हो चुका है जितना मैं करती हूँ। तो अब इसमें ना मैं डालूँगी नमक मिर्च मसाले, ये नमक डाल लिया और ये डालूंगी हल्दी, सुरख मिर्च, और ये देखिए मैंने डाल लिए हैं इसमें मसाले सारे। और उधर आटा गूंदा जा रहा है साथ ही। और ये देखें इसमें ना मैंने गरम मसाला साबुत जो है ना वो डाला है और अच्छी तरह से ये मसाला मेरा तैयार हो गया है। तो अब ना इसमें मैं बेसन और लस्सी जो है ना वो डालूँगी और फिर इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। और ये देखें मैंने इसमें लस्सी और बेसन जो मिक्स करके रखी हुई थी वो डाल दी है। तो अब इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो जब ये पकना शुरू हो जाएगा फिर आपको दिखाऊँगी। तो इधर मैंने ये ना वो प्याज और आलू जो हैं वो बारीक काट के रखे हुए थे, तो इसमें मैंने साथ ही बेसन डाल दिया है और नमक और मिर्च और साबुत मसाला। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ और साथ ही जब पकौड़ों का सामान तैयार हो जाएगा। और ये देखिए हमारा बेसन जो है पकौड़ों के लिए तैयार हो गया है। तो ये मैं ढक के रख देती हूँ और जब हमारी कढ़ी बन जाएगी ना तब हम पकौड़े बनाना शुरू कर लिए हैं। तो ये मैंने बना लिया है और ये मेरी कढ़ी जो है पकना शुरू हो रही है। हाँ जी, तो कढ़ी हमारी जो पक के तैयार हो चुकी है और अब मैं बना रही हूँ पकौड़े। तो पकौड़े बन जाए, साथ साथ बच्चे उठा के खा रहे हैं और साथ साथ वो कढ़ी के लिए भी रखी और साथ साथ उमा बचा रहे हैं। तो बेचारे भी तो बढ़ते ही हैं, मुँह से बचा कर इसमें डाल दिए। तो उठा के जल्दी जल्दी से खा रहा था, मैंने उठा के पतीली में डाल दिए, बचने नहीं थे, बाद में मैंने खाने थे। तो खा लेना ना कढ़ी के साथ, पहले ख़त्म कर देने थे, मैंने आज थोड़े बनाए हैं, कम बनाए हैं। जब मैंने अपने पैसों में से आपको इतना बेसन ला कर दिया फिर क्यों आपने काम बनाए? कब ला के दिया था? डेढ़ किलो आपको बेसन ला दिया। तो खा लो फिर, अगर तुमने ला के दिया था ना। तो बड़ी ही मज़े की खुशबू आ रही है कढ़ी की भी, बड़ी मज़े की बनी है और पकौड़ों की भी। तो अभी मुँह में पानी आ रहा है, जल्दी जल्दी से खा लें, लेकिन अभी देर है। और ये देखें इलम के ऊपर पकोड़े रख दिए। इलम के ऊपर कितनी मुश्किल बातें करते हो अभी तुम हैं। इस पे इसलिए रखे हैं कि जो जायद उसका आयल है ना वो इसमें चला जाए। हाँ जी, तो ये देखें कितनी मज़े की कढ़ी और पकौड़े तैयार हो चुके हैं। तो रोटियाँ भी पक चुकी हैं, अब ना खाने के लिए भूख बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है, तो शुरू करते हैं। रोटियाँ भी पक गई हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े की बनी है कढ़ी, थोड़ी सी मैंने की थी चेक। बहुत ही मज़े की बनी है।
तो प्यारे बहन भाई अगर किसी ने खानी है तो आ सकते हैं, आके खा सकते हैं, बहुत ही मदद बनी है। और सारिम भी आ गया है खाने के लिए। हाँ जी, तो प्यारे व्यूअर्स, रोटी हमने खा ली है बहुत ही मज़े के साथ, बहुत मज़ा आया। मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है, अभी तक हमारे बारिश हो रही है, तो बहुत ही बारिश के मौसम में गरीब कोड़े खाने का अपना ही मज़ा होता है। तो प्यारे व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की, आज की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल दादा फैमिली ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। और दुआ में याद रखना, मैं भी आप सब बहन भाइयों को दुआ में याद रखती हूँ। याद रहें, बात रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी दुआ के साथ वीडियो को करती हूँ। अगली नई प्यारी सी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।